हाँ 200 शेयर है और 347 के भाव में है। और निशा मैम क्यों लिया था? पर इसी पहले लिया था कुछ थोड़ा टाइम पहले कि ये चीनी मिल वगैरह ओपन होंगी, इसीलिए लिया था कि उसके बाद थोड़ा रेट जाता ही है इंटरेस्ट टाइम पे। तो मतलब ऊपर होंगे, ट्रेडिंग वेडिंग का मन था है ना, तुम आगे निकल लेंगे। हाँ लेकिन अभी रोक रखे हैं, अभी निकालने का मूड नहीं है थोड़ा, कब तक रोके ये पूछना था। अरे सर भाई चीनी चलने तो लगी है आजकल, मिठास बढ़ रही है, बलरामपुर चीनी भी राय दिन अच्छी तेजी के साथ कामकाज। अब तो मेरे पास 55 रुपये पर शेयर का मुनाफा है और निशा मैम क्लियर कर रही है निकालने का मूड है नहीं। आप तो ये बताओ कब तक रखना है, कुछ और कह रहे हो निशा मैम? नहीं रख सकते हैं। हाँ वही मैं कह रहा था, निकालने का मूड नहीं है, रख सकते हैं भाई, अब तो मुनाफा दिख रहा बढ़िया वाला, मन कर नहीं निकालने का। राजेश सर क्या करूं, रख लूं ना अभी और चलेगा क्या? देखिए बिल्कुल रख लें, और जैसा आपने कहा ना मिठास बढ़ रही है, तो अभी त्योहारों का सीजन है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, मिठास तो अपने आप बढ़ेगी। लेकिन अगर कंपनी की बात की जाए तो 10 फैक्ट्रीज, 4 डिस्टिलरीज, 8 कोजेन के प्लांट, डिस्टिलरी की कैपेसिटी हाल ही में बढ़ाई गई है जिससे अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है, क्योंकि इथेनॉल मिक्सिंग की कैपेसिटी हम देख रहे हैं कि लगातार खबर में बनी हुई है, आने वाले दिनों में इनके टर्नओवर वहां से बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। दूसरे अगर देखें तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट इक्विटी बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। इन्हें थोड़े से मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया रखना चाहिए और इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, और जो कोई भी गिरावट आती है तो वहाँ पर ऐड करने की सलाह रहेगी।